गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स आउट देयर। आज का दिन हमने शुरू कर लिया है। त्यागी जी ने बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेकफास्ट के लिए बना के रखा है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सैंडविचेस और कॉफ़ी, वो भी फुल क्रीम के साथ। यूजुअली मैं प्लेन लेती हूँ, अगर मुझे चाहिए तो फुल क्रीम या फिर दूध जो सबसे हैवी फैट वाला होता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, हम ब्रेकफास्ट करते हैं और हमारी वेदा रानी भी जाग रही है। दोनों डैडी और बेटी ने सुबह सुबह हमें विश करके जगा दिया है। तो सोच रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और उन्होंने कहा है तुम जब तक ब्रेकफास्ट करोगी तब तक तुम्हारा सेकंड सरप्राइज रेडी होगा। सो लेट्स सी वो क्या होगा। और मुझे कल जेन ने भी मदर्स डे पे एक गिफ्ट दिया है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, पर पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ये रहे मेरे चीज़ी सैंडविचेस और मेरी कॉफ़ी। इसमें मैंने बाद में थोड़ा और क्रीम ऐड किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था आई गेस, बट एनीवे अपने सैंडविचेस को हम एंजॉय करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। माय गॉड, नाश्ता कम और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या खा लिया मैंने। मेरे को तो नींद सी आ रही है दोबारा, ब्रंच हो गया मेरा तो काइंड ऑफ। और बट अभी वापस जाने से पहले बेड में मैं एक चीज़ ट्राई करना चाहती हूँ जो मैंने देखी है इंस्टाग्राम पे, सिल्वर को क्लीन करने के लिए। वैसे तो एक बहुत ही ऑब्वियस है, जो आप टूथपेस्ट लगा लो और ब्रश से उसको साफ करो, वो थोड़ा लेंदी और लंबा प्रोसेस लगता है मुझे। तो उन्होंने एक और दिखाया जो था क्विक प्रोसेस, सो लेट्स सी अगर वो काम करता है कि नहीं, क्योंकि मेरी जो चांदी की मूर्तियाँ हैं भगवान की वो काली पड़ गई है बाहर रख रखे, ऑक्सीडाइज टाइप होगी। तो मैं करती हूँ, अगर वो काम करेगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी उसको। मुझे अपना एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि वेदा उठ गई थी। अब वेदा और डैडी दोनों सो रहे हैं और उनको मैं भी ज्वाइन करने की इच्छा रखती हूँ, क्योंकि आज संडे है, फंडे है और डे टाइम स्लीपिंग तो ऑब्वियस है। बट उससे पहले मैं आपको वो हैक दिखाना चाहती थी, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा मैं वो असेंबल कर देती फिर आपको दिखाती। तो हमें चाहिए फॉइल, नमक, एक बर्तन जिसमें हम अपना कंकक्शन बनाएंगे, गर्म पानी जो गर्म हो रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिल्वर। तो इसमें आपने क्या करना है, फॉइल लेना है, नमक डालना है, आई डोंट नो कितना नमक उसमें बताया नहीं था वीडियो में, फिर ये मैंने डाल दी अपनी मूर्तियाँ और अब हम गर्म पानी का वेट करेंगे। ये हमारा पानी काफ़ी गर्म हो चुका है तो अब इसमें मैं ये डाल देती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि पानी का कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो मैंने बहुत ही हॉट बॉइलिंग वाटर ले रखा है, एक्सट्रीमली हॉट, और इसको मैं पूरा भर दूंगी जिसमें ये मूर्तियाँ डिप हो जाए। आई होप ये काम कर जाए, अगर नहीं करेगा तो आई गेस टूथपेस्ट इज़ द बेस्ट, फिर उसी से ही चलाएंगे हम काम। अभी तक मुझे लग तो नहीं रहा है। ओह, आई गेस इट्स वर्किंग, बट ये मैंने इतना गर्म पानी डाला है कि मैं अपना हाथ भी नहीं डाल सकती, बट आपको दिख रहा है, माय गॉड कलर चेंज हो रहा है। मैं टाइम लैप्स से बना के दिखाती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, इस एक्सपेरिमेंट ने थोड़ा सा तो काम किया है। अब आई डोंट नो अगर मैंने नमक कम डाला हो, तो मैं थोड़ा और नमक डाल रही हूँ ऊपर से देखने के लिए कि अगर ये कुछ फ़र्क करेगा, क्योंकि थोड़े थोड़े पार्ट्स डार्क है, थोड़े थोड़े नहीं है, और नीचे से तो एकदम क्लीन हो गए एकदम। अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने पहले शॉट लिया था कि नहीं नीचे का, बट नीचे काफ़ी डार्क था और ग्रीनिश हो रहा था, अभी एकदम क्लियर हो चुका है। आई होप ये ऊपर से भी ऐसी साफ हो जाए प्रभु। आई गेस द ट्रिक इज जितना ज़्यादा नमक हो और बहुत गर्म गर्म पानी। ये देखो आप, मतलब नीचे से पूरा ब्राइट वाइट जैसा हो गया क्लीन, और मूर्ति में भी जो थोड़ा सा काला रहा था वो भी निकल गई है। गणपति जी तो पूरे साफ है फ्रंट एंड बैक, थोड़ी सी लक्ष्मी जी के रहते हैं। आई गेस ये हैक से हमारी बिजी मॉम्स के लिए, जिनके पास बहुत सारा सिल्वर होगा, पायल होगी, अंगूठी होगी पाँव की, और जो भी चांदी का सामान है, अगर आप बहुत बिजी है एक बोल लीजिए, फॉइल लीजिए, उसमें नमक भर के डाल दीजिए श्रद्धा अनुसार, और उसके बाद उसको पानी से भर के उसमें अपनी सारा सिल्वर छोड़ के भूल जाइए, एटलीस्ट फॉर 10-15 मिनट्स और हाफ एन आवर, मोर द मेरियर आई वुड से। ये तो अभी सिर्फ 3-4 मिनट भी नहीं हुए, मुझ में पेशेंस की थोड़ी कमी है, बट उसके बाद आप शाम को देखो आपका सारा सिल्वर साफ एकदम नया जैसा हो जाएगा। आई रियली लव्ड इट, पहली बार शायद इंस्टाग्राम से कोई जो हैक है वो मेरे काम आएगा। अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ये काम आया तो एक और दूसरा है
अभी तो यहाँ से हमने कालक निकाली, अब थोड़ी हम यहाँ से निकालेंगे। तो एक और मैंने फेस पैक देखा है, उसे मैं थोड़ी देर में अप्लाई करूँगी, अभी नहीं, अभी तो मैं जाऊँगी ब्यूटी स्लीप के लिए। ब्यूटी स्लीप के बाद मैं वो पैक बनाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा, मैं ये बताना भूली गई, जब मैं वापस ऊपर गई तो मैंने क्या देखा कि त्यागी जी ने लॉन्ड्री फोल्ड कर ली है। लाइक माई गुडनेस, इससे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता था। चलो खाना वो ओकेजनली मेरे लिए बनाते रहते हैं तो दैट इज देयर एंड एवरीथिंग इज देयर, बट लॉन्ड्री फोल्ड करना इज लाइक ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून वाला बात। बट चलिए जो भी है, मैं तो बहुत खुश हूँ और ये वाले रिजल्ट्स देख के तो और भी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा काम कितना आसान हो गया। अभी मैं आराम से इतमिनान से सोती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। वाह, वॉट पावरफुल 45 मिनट्स, आए मज़ा आ गया। पर मेरी ना इस कान में फिर से दिक्कत हो रही है जैसे पहले हो रही थी, तो मैं दवाई तो लेके आई हुई थी पिछली बार अपने साथ, तो अभी मैं बस वो ड्रॉप्स डालने वाली हूँ इसमें और इसका इलाज करने वाली हूँ, क्योंकि फिर से मेरे इधर साइड दर्द भी हो रहा है। जैसे एयर प्रेशर नहीं बनता था, मुझे लगता है शायद कोई एयर इन्फेक्शन ना हो गया होगा, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट फिर से इसमें थोड़ा कम सुनाई देने लगा है। तो मैं इसमें ड्रॉप्स डालती हूँ और उसके बाद इसको रिंस करती हूँ, उसके बाद नीचे जाके देखते हैं कि हमारे गणपति जी और लक्ष्मी माता कैसे हैं। अब ये है दवाई, 8 से 10 बूंदे डालनी है। ओह, एकदम चली गई अंदर। और इसमें लिखा है वेट करें 5 से 10 मिनट और जैसे ही आपको ब्लॉकेज सी महसूस हो और जाके इसे रिंस कर लो। तो लेट्स फॉलो द स्टेप्स। वेदा ब्यूट की है। माय गॉडनेस, कान तो पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं, पर डिजी जरूर होगी। मैं बहुत एकदम से चक्कर साने लग गए मुझे बहुत ज़्यादा, बट फिलहाल के तो बेटर है। अब कल सुबह दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि 4-5 दिन यूज़ करें। इस बार अपना कोर्स पूरा करूँगी मैं। ये देखिए आप, मतलब एकदम वाइट हो गया है। ये पीछे से तो बिल्कुल ही शाइन कर रहा है, पर यहाँ से भी इम्प्रेसिव है। दोनों ही लक्ष्मी और गणपति जी। ये गणपति जी। ओह, जाग गए आप। मजा आया सो के? क्या किया तुमने? ये मेरे मैरिनेशन के लिए छोड़ा हुआ था और ये एकदम क्लियर, क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। सो सिंपल एंड इजी टू डू एट होम। ग्लास भी तो थे, कहां है वो? ढूंढने पड़ेंगे, है ये कहीं, अभी अब पैकिंग में मिलेगा सब सारा सामान। कर लेते हैं। और ये मुझे जेन ने दिया है, इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसने कहा था ये कैंडल है जिसको मैं कभी नहीं जलाने वाली, इनको मैं अपने कपड़ों के साथ ही रखूंगी। बहुत ही अच्छी गुलाब की खुशबू जैसी इसमें वो है फ्रेग्रेंस। और ये आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग चॉकलेट है, बॉक्सिंग ही बहुत अच्छी है, बॉक्सिंग पैकेजिंग ही बहुत अच्छी है। वाह, माय गुडनेस, अलग अलग टाइप के, आई एम प्रीटी श्योर कहीं ना कहीं लिखा होगा क्या। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कोकोनट लड्डू है, मैं खा लूं। कोकोनट लड्डू नहीं, इसमें से ये वाला है ट्रफल। अच्छा, अलग अलग ट्रफल है, अब मैं नहीं पढ़ सकती सारे ट्रफल कौन से, कुछ कैरेमल है, कुछ पता नहीं, कुछ है, कुछ कुछ है। चलो कोई ना, तो और खा के टेस्ट पता कर लेंगे। एक exactly. और फिलहाल ये अभी कहीं के लिए तैयार हुए हैं, कहीं ना अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है, तो व्हाई नॉट। और अब मैं जाके करूंगी वो भी कहते रोज ही जाते हो मिलने तो तुम। या देयर इज नथिंग न्यू बट इट्स ओके, यू कैन गो। और मैं अपना फेस पैक अब रेडी करती हूं। फेस पैक भी कर रही है क्या? या मेरे लिए भी कर लेना। माय डे, इट्स नॉट फॉर यू। आज का व्लॉग फुल ऑफ हैक्स, तो इस वाले के लिए हमें चाहिए चीनी, बेसन और कॉफी। ये तीन चीजें सभी के घर में बहुत कॉमनली पाई जाती है। तो ये जो मैं फेस मास्क बना रही हूँ, क्यों मैंने उन्हें मना किया उनके लिए नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि ये आपके फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए और जो डार्क पैचेस और स्पॉट्स आ जाते हैं कभी, उसको निकालने के लिए, जैसे मेरे इधर दिखते हैं, है ना। और थोड़ा मैं गर्दन में भी अप्लाई करूँ, क्योंकि सब मुझे बोलते हैं आपकी गर्दन इतनी मोटी है। मेरी गर्दन मोटी नहीं है, इज जस्ट ये लाइन्स परमानेंट हो चुकी है अब। तो उन्हें मटाते हैं आज और देखते हैं अगर ये काम करता है कि नहीं। इज दिस अ हैक फॉर अ वैक, जैसे वो कहते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए है, ये पानी उबल चुका है, इसमें हमने डालनी है चीनी। चीनी डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच, मेरे पास छोटा चम्मच है इसलिए मैं 3 डाल रही हूँ। वैसे इसमें हम चीनी इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये कैरमेलाइज हो जाए, जब इसका रंग बदल जाएगा ब्राउनिश तब हमने बंद कर देना है। क्रिस्टलाइजेशन इज वर्क ऑफ पेशेंस। तो इसमें मेरे ख्याल से मेरी चीनी कम थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी और चीनी बाद में ऐड की है, क्योंकि मेरा पानी ज़्यादा था। तो या तो आप पानी का रेशियो भी कम रखें अगर आपने चीनी कम यूज़ करनी है, और मुझे लगता है काफ़ी चिपचिपाना हो जाए अभी ये, बट वेल लेट्स सी जो भी बनेगा। और ये उसकी कंसिस्टेंसी अब आ रही है जैसी उसमें दिखाई थी, ये ब्राउनिश कर देना है हमने एकदम गोल्डन ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा, एक लेवल।
और बाकी मैं आपको बताती हूँ क्या करना है नेक्स्ट। इसका वो आ चुका है कंसिस्टेंसी और टेक्सचर जो हम देख रहे हैं, नो क्वाइट नॉट येट देयर। इसमें हमने डालना है 1 चम्मच के आसपास बेसन और लगभग आधा चम्मच जितनी कॉफ़ी। ओके ये तो फेल रहा, तो एक और बार ट्राई करते हैं हम दोबारा से, इस बार कम पानी के साथ ट्राई करती हूँ। ये तो लड्डू ही बन गया, एक और बार ट्राई करते हैं। मेरे पास पाउडर वाली नहीं है इंस्टेंट कॉफ़ी, मेरे पास वो थोड़ी मोटे चंक्स वाली थी, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी के साथ पेस्ट सा बना दिया है। आई होप दिस टाइम ये काम करे, और इस बार मैं इसको ज़्यादा लंबा रहने दूंगी जब तक कि ब्राउन कलर ना हो जाए। मैंने पिछली बार वाइटिश कलर में निकाल दिया था इस स्टेज पे, तो जब तक ये यहाँ बॉयल हो रहा है एक बार हम जल्दी से वेदा को देख के आते हैं। आई गेस मुझे पता लग गया मैंने क्या गलती करी, मैंने पिछली बार चीनी ज़्यादा डाली थी और पानी कम, बट ऑपोजिट होगा, पानी ज़्यादा होगा और चीनी कम होगी। तो मैंने इस बार क्या किया, 1 कप पानी लिया और 1 चम्मच चीनी लिया उसमें। सो लेट्स सी अगर ये इस बार हो जाता है कि नहीं। कलर तो आ रहा है अब और फॉर्मेशन भी वैसी हो रही है, एंड आई गेस ये हमने इसको तब तक बॉयल नहीं करना जब तक सारा पानी वेपरेट ना होए। इसमें पानी भी होना चाहिए, बस ये डार्कर कलर होना चाहिए इसका पानी का, क्योंकि मैंने पिछली बार किया तो रॉक सॉलिड हो गया पत्थर जैसा और उसमें बेसन भी मिक्स नहीं हुआ। तो अब देखते हैं इस बार क्या होगा। कोको भी यहाँ आराम से लेटी हुई है। मैंने यहाँ में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट पढ़े जो पूछ रहे थे कि कोको कहाँ जाएगी अगर हम इंडिया वेकेशन के लिए आएंगे। कोको वहीं जाएगी जहाँ लास्ट टाइम गई थी जब हम वेकेशन के लिए आए थे, वो है हमारे फ्रेंड्स के पास, क्योंकि इससे सभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो सभी वेटिंग पे होते हैं कि किसके पास जाएगी नेक्स्ट। ओके ओके फाइनली कलर आ रहा है, ब्राउन हो रहा है ये पानी। सो आई एम गेसिंग ये रेडी है अब हमारा मिक्सचर। अब मैंने बोल भी बड़ा कर लिया क्योंकि मेरे ख्याल से ये मैंने ज़्यादा ही बना दिया है, पता नहीं बना कि नहीं बना, अब एक साथ ही देखेंगे बाद में। बाकी का सामान डाल देते हैं इसमें, ये गया बेसन, थोड़ा सा हमारी कॉफ़ी, आई गेस इसमें बेसन और जाएगा। और वेदा जाग चुकी है, ऑफकोर्स इसे हमने गरम गरम नहीं लगाना है, ठंडा होने के लिए रखना है। मैं इसे अच्छे से मिक्स करके वेदा के पास रखती हूँ, थोड़ा बेसन और ऐड कर लेंगे। मेरा ये फेस पैक बनाते बनाते पूरे गांव के लिए बन जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा बन गया है, तो अब लगता है फेस के अलावा भी पूरी बॉडी में लगा लूँगी इसको। अभी तक तो ये मेरे हिसाब से नॉट वर्थ द वर्क है, बट आई डोंट नो, लेट्स सी, अगर एंड रिजल्ट अच्छा हुआ तो फिर भी इसे ट्राई किया जा सकता है कभी कभी। चलिए अब इसे लगाने चलते हैं। तो चलिए मेरा बेसन का हलवा रेडी है, लिटरली ऐसे लग रहा था कि बेसन का हलवा घोट रही इतनी देर से मैं। तो ये रहा हमारा फेस पैक जो कि बेसन का हलवा ही दिख रहा है, अगर सेट करने के लिए रख लूँ तो बेसन बर्फी बन जाएगी अब तो इसकी, विद कॉफ़ी इन इट ऑफकोर्स। और उसमें इसने बिफोर एंड आफ्टर दिखाया था, आई डोंट नो अगर कुछ दिख भी रहा है इसमें कि नहीं। ये है बिफोर, और अब इसे लगाते और आफ्टर दिखाते हैं। ओके वीडियो के हिसाब से तो बहुत ही थिक पेस्ट बना है, बट उसमें कहा गया था कि 5 से 10 मिनट रखो उसके बाद इसे स्क्रब करना है, पर मैं थोड़ा ओवर एंथुजियास्टिक हो के मुंह से गले में, गले से शोल्डर तक अपने लगा दिया है, तो मुझे लगता है मैं एक साथ नहा के आती हूँ आपको दिखाती हूँ आफ्टर इफेक्ट्स। वैसे इसको लगा के लाइक द टेक्स्चर इज़ वेरी नाइस टू पुट ऑन, काफ़ी स्मूद है, बट इतना डार्क नहीं था, मतलब इतना गाढ़ा नहीं था दीदी का, तो ऐसा लग रहा है मड मास्क लगा लिया मैंने। लेट्स वेट फॉर द एंड रिजल्ट्स नाउ, दैट्स ओनली व्हाट वी कैन डू। मैंने अपनी दोनों बाजुओं में भी लगा दिया इसे करते कराते, अब मुझे लगता है कहीं मैं ट्यूबलाइट से भी ज़्यादा ब्राइट ना दिखूं। ओके कोको भी मेरा बाहर पेशेंटली वेट कर रही है कि मम्मी तुम सुंदरी बनी कि नहीं, बट कोको अनफॉर्चुनेटली नहीं, योर मामा स्टिल लुक्स द सेम। वेल मुझे तो कोई फ़र्क नज़र आ नहीं रहा है अपनी शक्ल में, बट अगर आप लोगों को मेरी शक्ल में कोई फ़र्क नज़र आ रहा हो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बट अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेल पेंट भी चेंज करना था क्योंकि अंगूठों से निकला है, बट मे बी अब वो कल होगा, बट जो आज के दिन के लिए लास्ट मेरी चीज़ रहती है वो है हेयर डू। तो मैंने कुछ हेयर डू भी सेव करके रखे हैं, उनमें से एक ट्राई करके और देखती हूँ कि वो काम आएगा, इन्हें अगर काम आएगा तो ये अब मैं वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि इतनी मेहनत करके कोई रिजल्ट निकला नहीं तो मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का। बाल बनाती हूँ, तैयार होती हूँ, और ये सिर्फ मैं अपनी मन की खुशी के लिए तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैं और वेदा ही घर पे है। चलो वेदा भी एक दिन मम्मी को रेडी देख लेगी ऐसी बिना बात के घर पे, और क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है धीरे धीरे ये चीज़ें करके, अपना सेल्फ ग्रूमिंग करके, तो चलो तैयार हो जाते हैं एंड देन लेट्स सी, अगर तैयारी से टाइम से आ जाए तो डिनर कर लेंगे फिर। ओके ओके आई हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड टू मेक अ हेयर स्टाइल टुडे, बन तो गया ये थोड़ा बहुत, मतलब ऑफकोर्स परफेक्ट नहीं, थोड़ी इम्परफेक्शन है, पर ये बाल बहुत लंबे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने खुद काट दूँ बाल या इंतज़ार करूँ,
सोचू थोड़े थोड़े तक काट देती हूँ चिन लेंथ तक, क्योंकि उसके बावजूद भी बहुत लंबे हैं नीचे, है ना, कर ही देते इतना तो। 1, 2, 3 मैं काफ़ी दूर से कर रही हूँ अभी तो। ये मैंने जो देखा है इंटरनेट वगैरह पे कैसे करने चाहिए। ओके लुक्स मच बेटर, आई गेस हम थोड़ा और जा सकते हैं, हल्का और, ज़्यादा नहीं, हल्का सा और। यहाँ से नहीं काटूंगी। ये मैंने इतने और काट लिए, बस अब इससे ज्यादा नहीं काटूंगी, फिर अब मुझे एंग्जाइटी हो रही है। मुझे बाल नहीं काटने चाहिए अपने, बट इट्स ओके, अब तो कट गए। बट आई गेस अब ये हेयर स्टाइल ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि आगे के बाल थोड़े छोटे हैं, वरना सभी एक जैसे लग रहे थे मंजुलिका की तरह, हाँ ये चाहिए तुम, हाँ और छिन छिन। चलिए अब मेरे पास कान के मुझे ढूंढने पड़ेंगे, है कि नहीं, जिसका मुझे शक है कि मेरे पास होंगे, बट ढूंढने में क्या इतराज है, एक बार ढूंढ लेते हैं इन्हें भी। एंड ऑफकोर्स दिस इज समथिंग अगेन जो मैंने इंटरनेट पे देखा, अगर आपने बाल अपने कर्ल कर ले हो जल्दी से, वैसे तो मेरे बाल कर लिए है, लेकिन मुझे थोड़ा परफेक्शन वाला कर्ल चाहिए, तो पहले ट्विस्ट कर लो बालों को आई गेस, उसके बाद इन्हें लपेट लो इसमें, चलते जाओ, टॉप पे पहुंच के अपने ईयरबड को ट्विस्ट कर लो। यस बेटा, जब आप बड़े हो गए मम्मी से सीखोगे हेयर स्टाइल। अब मैं इन्हें रहने दूंगी 5-10 मिनट ताकि अच्छे से कर्ली कर्ली आए, क्योंकि अभी अजीब से कर्ल्स आ रहे। अब कानों के बाले ढूंढते हैं। वेल मुझे झुमके तो नहीं मिले, ये टॉप्स मिले हैं, लगता है इन्हें से काम चलाना पड़ेगा। अगर झुमके मिल जाएगा बाद में चेंज कर लूंगी। चलिए इसे निकाल देते हैं, आई मीन 5-10 मिनट तो हुई है और मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे, अच्छा ऐसे डाले, भूल गई थी कि कैसे फोल्ड हुए थे। सो दिस इज हाउ आई फाइनली लुक फॉर माई मदर्स डे लुक। मैं आपको पूरा OTT दिखाऊंगी एक बार त्यागी जी जब वापिस आ जाएंगे। मुझे इन बालों का समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें मैंने आगे रखना है कि पीछे रखना है, हो सकता है मैंने बांध ही दूं, क्योंकि बांध के कितना अच्छा लग रहा है, साफ हूँ, बट कभी कभी फैशन भी ज़रूरी है, फैशन का है ये जलवा। ओके नो प्रॉब्लम, हम इसका कुछ ना कुछ समाधान निकाल के रहेंगे तब तक जब तक हमने आपको फुल OTT देना है अपना। ओके सो दिस इज माई फाइनल लुक। The outfit is from Rubina the Lake. Hair is by me, makeup is by me, and this one is from Jyotika the Lake. So Veda ki mummy is ready. वैसे मुझे काफी time लगा, वैसे मुझे लगता है ना कि face pack का कोई असर हुआ है, लेकिन जब मैं तैयार हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद उससे मेरे थोड़ा natural अंदर से pink है गाल, वो बाहर आ गए और थोड़ा सा skin tone fair हुआ है, but I'm not pretty sure, और ना मैं ऐसे पैसे वेस्ट करने वाली हूँ। फिलहाल अभी मैं अपना ब्लॉग एंड करने वाली हूँ, तो त्यागी जी गए थे कहाँ, मैं दिखाती हूँ कहाँ। इसमें लिखा है बेस्ट मॉम एवर, है ना कोको, थैंक यू। एंड देन स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक, और ये है कार्ड, आई डोंट नो ये चिपका के क्यों लाया है, सॉरी फट गया, खोला ही कैसे भी। और इसमें है अंदर प्यारा सा मैसेज जो कि सिर्फ मेरे लिए है, तो मैं पढ़ूंगी नहीं, और ये कार्ड है, और अब ये हम केक काटेंगे। ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, मदर फ्रॉम योर डॉटर है, अच्छा मदर फ्रॉम योर, अच्छा मदर फ्रॉम योर डॉटर, हाँ
तो वेदा ने दिया ऑफ कोर्स फ्रॉम डॉक्टर वेदा की तरफ से है. इट वाज अ लवली लवली सरप्राइज. मैं आपको रिएक्शन नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं ऊपर रेडी हो रही थी जब तक नीचे सेटअप कर रहे थे, तो मुझे पहले ही पता लग गया था, इसलिए मैं ज्यादा हाँ करके नहीं दिखा पाई. बट अभी हम ये केक काटेंगे और अब क्योंकि 9 भी बजने वाले, काफी देर हो गई. बोलते कि मुझे 4 ग्रोसरी स्टोर घूमने के बाद ये मिला था, कहीं ग्रोसरी स्टोर नहीं, 4 बेकरी घूमने के बाद ये वाला केक मिला था. फिलहाल तुम भी इधर आ जाओ, एंड कर लेते हैं. तैयार होने के बाद तुझे कैसी फीलिंग आ रही है? आजकल वो रील चल रही है ना 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 ना, पता नहीं कौन सी वाली, तो मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ. ट्राई करूंगी मैं, वैसे मैं कभी भी डांस की रील्स नहीं डालती, पर आज मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं डांस करके रील डालूं. कोशिश करूंगी, अगर बनगी तो इंस्टाग्राम पे. और फीलिंग आ गई इसको देख के, रही बता दे खुद ही को देख के. ज्ञाना को ओ अच्छा हाँ, ज्ञाना ने भी वो वीडियो डाली है जो मैंने रील मतलब अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी थी. ज्ञाना मेरी भांजी है तो उसने वो करी थी, तो उसको देख के मुझे वैसे लग रहा था मुझे भी करना चाहिए. पर आज का गेटअप मेरा ऐसे थोड़ा पंजाबी लुक, फुल पंजाबी लुक. अच्छा वेदा ने मेरे बोला मम्मी को ये चाहिए. अच्छा डोंट वरी, हमारी कैमरा वुमन जेन है, अगर आप सोच रहे हो कि अचानक से कैमरा खुद कैसे काम करने लग गया. बट एनीवे, तो आज हम मदर्स डे साथ पे सेलिब्रेट करने वाले. अब इसके बाद हम डिनर की तैयारी करेंगे और आज बनेगा पनीर और थोड़ा सा बाहर से और थोड़ा सा घर से. मैंने केक तो काटा नहीं, वीडियो से पहले एंड कर ली, मैं कहीं तो ना इंसाफी हो जाएगी. और अब अगर सोच रहे हो कि कॉस्ट्यूम क्यों चेंज है, हम थोड़ा सोडा वोडा वो लेके आए थे कोक वोक, जैसी मैंने वो खोला सब अपने ऊपर, सोफे के ऊपर, सारी जगह, इससे मुझे कपड़े बदलने वो गाड़ी में नहीं लेल के उसमें. पर अच्छी बात क्या होगी, पता क्या हुआ, जैसे ऊपर गया तो मैंने ना पानी में रखा ताकि उससे वो निकल जाए, स्टेन ना पड़े, और उस कपड़े से रंग निकलता है. अच्छा हुआ कि मैंने ऐसी कहने, तो मैंने मशीन में ही डालना था धोने के लिए. एनीवे चलो मैं अपना केक काट लेती हूँ आज के लिए. कोको भी बहुत खुश है क्योंकि आज उसको भी वेट फूड मिला है, सबको ट्रीट मिली है मदर्स डे पे. वेट फूड से ज्यादा है कोको को रिबन मिला है. हाँ वो रिबन के लिए बहुत ज्यादा खुश हुई है, जिसके ऊपर बाहर बॉक्स पे रिबन लगा था ना, मैंने तुरंत निकालते ही उसको दे दिया था खेलने के लिए. केक से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ. आई एम ए नाइस केक कटर. ये है एकदम लाजवाब स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक. मदर कैसे खाओगी बताओ पहले. आई टैप में लगा मिल रहा है, मिल रहा है, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही अच्छा है, एकदम फ्रेश केक है. अलग है तो आप लोगों को तो पहले दिया नहीं खाना, अब आप लोग भी खा लो यार, ये सारा इसके ऊपर गिराया. कोई नहीं, इट्स फाइन. जेन फॉर यू आल्सो. 4 बेकरी घूम के लेके आने के बाद मिला मुझे. बाय बाय. तो आज के इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. मुझे तो बहुत मजा आया अपने पूरे दिन में अपने लिए अलग अलग एक्टिविटी करके. थोड़ा इनके दर्शन कम हुए क्योंकि इन एंड आउट ही थे पूरे दिन के लिए. बट रिगार्डलेस मेरा फर्स्ट मदर्स डे तो बहुत अच्छा रहा. आई होप आप लोगों का भी अच्छा रहा हो मदर्स डे और बाकी के डेज भी अच्छे रहे, 365 डेज. मिलेगी आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू सून. बाय.